जी खिज़र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बैकग्राउंड ऑफ मी फर्स्ट, मैं बेसिकली दुबई में जॉब कर रहा हूँ फॉर लास्ट 19 इयर्स। माय प्रोफेशन इज एचआर था, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन यूएस एंड पाकिस्तान। सो उस वक्त से ये पैशन थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। एंड जब मेरे इंटरेक्शन हुए लाइक भाई से, तो आई वाज जस्ट डूइंग सम जनरल कैजुअल डिस्कशन ऑन ट्विटर स्पेसेस। आई रियली लव ट्विटर। तो लाइक भाई ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड वीकली सेशन करते हैं टू क्रिएट लिटिल बिट अवेयरनेस अबाउट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान एंड लिटिल बिट क्रिएट फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी। सो दैट वाज द पर्पस टू स्टार्ट दीज kind of weekly session. So Asmar bhai, thank you very much for joining. Asmar bhai, a little bit apna introduction karwa de and then we'll take it from there. Thank you very much Khizer, thank you Sarmaaya team and everybody. main koshish karunga isko urdu mein rakhu, lekin agar beech mein kuch angrezi ke jumle aa jaye to mujhe maaf kijiyega. ek to sabse pehle sare listeners ko bahut bahut shukriya jo jinhone join kiya hai. mera introduction, I think मैं अपनी तारीफ़ें तो बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा इस टॉक के अंदर, लेकिन ये बताऊँगा कि मैं इस कंपनी में जिसके साथ हूँ शुरू से ही हूँ। मैं मुझे तकरीबन कोई 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जो एवेंसियन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है ऑक्टोपस डिजिटल की, और ऑक्टोपस को हमने 3 साल पहले बनाया। ऑक्टोपस डिजिटल जो है वो अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी है और वो लास्ट ईयर इट वेंट पब्लिक, और उसने माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इन्वेस्टर्स ने हम पे ट्रस्ट किया और पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट जो सक्सेसफुल आईपीओ हुआ है वो 27 टाइम्स जिसको सब्सक्रिप्शन वैल्यूएशन मिली है वो ऑक्टोपस डिजिटल को मिली है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग इन। मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन यह है कि विद इन द सेम कंपनी ग्रो करते करते जो है तो आई रीच टू द लेवल वेयर आई गॉट अ चांस to help people, to help customers in a much better way. And हमारी कंपनी का कल्चर जो है वो सारी कंपनी में यही है कि भाई आपने कस्टमर्स की फोकस जो है हमारा कस्टमर सेंट्रिक है, और हम जिस इंडस्ट्री को सर्व करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री है। तो ऑक्टोपस का इंट्रोडक्शन मैं एक लाइन में यही कराऊंगा कि हम जो है वो डेटा को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेटा को लेकर उससे इंटेलिजेंस बिल्ड करते हैं, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है जो हमने बनाया है वो क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म है जिसकी बदौलत जो हम डेटा के थ्रू प्रेडिक्शन और प्रेस्क्रिप्शन करके वैल्यू ऐड करते हैं क्लाइंट के ऑपरेशंस के अंदर। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, तो ओवर टू यू खिज़र साहब। थैंक यू अस्मा भाई। विल स्टार्ट विद अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्टोपस एंड देन एवीएन, देन एंड देन एट द एंड विल टॉक अबाउट द आईटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। सो अगर हम ऑक्टोपस से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ऑक्टोपस नेम इज अ वेरी यूनिक फॉर मी। तो इस नाम के पीछे क्या स्टोरी है और ऑक्टोपस का विजन मिशन क्या है, और इसको स्पिन ऑफ करने के पीछे क्या थी लॉजिक फ्रॉम एवियन, बिकॉज एवियन तो ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर और फेमस नेम है आईटी में। तो अगर इस पे थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें। जी बिल्कुल खिज़र, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ऑक्टोपस का नाम जो है वो आई थिंक मैंने ही सजेस्ट किया था अपनी कंपनी में, और जब मैंने सजेस्ट किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि यार हम कोई कुछ लोगों ने कहा कि हम कोई मतलब फिश मार्केट थोड़ी हैं कि ऑक्टोपस तो एक मतलब वो जानवर है जो कि सी फूड में लोग खाते भी हैं, बाहर के मुल्कों में खाते हैं, हमारे मुल्कों में तो खाते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये ऐसा नाम क्यों रख रहे हैं? तो मैंने कहा कि इस नाम के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ऑक्टोपस जो है वो ओल्डेस्ट पानी का एनिमल है जो कि इंटेलिजेंट मोस्ट क्रिएचर है एनिमल बीइंग में, और वो करता ये है कि वो अपने टेंटिकल्स के थ्रू, अगर आपने ऑक्टोपस की शक्ल देखी हो तो अपने टेंटिकल्स के थ्रू खाने को लेके जाता है अपने अंदर, और उसका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो बहुत बड़ा होता है, यानी वो प्रोसेस करता है अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन सारी। तो हमने ये कहा कि हम ये जो कंपनी बनाने लगे हैं ये डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से डेटा उठाएगी, डेटा उठा के अपने अंदर लेके जाएगी अपने यूनिक प्लेटफॉर्म में, और वहाँ से वो प्रोसेस करेगी वो डेटा और बाद में इंटेलिजेंस ड्रिवन डिसीजंस के लिए हेल्प करेगी कस्टमर्स को। तो हमने कहा कि ऑक्टोपस ये काम जो है, ये सारा काम ऑक्टोपस जो है वो करता है। इसका मतलब ये एनालॉजी हमने ये बनाई कि वो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जो हैं वो डेटा सक इन करेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अ प्लांट और अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और वो लेके जाएगा अपने ब्रेन के अंदर जो हमारा क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म है जिसे हम ओमनी कनेक्ट कहते हैं, और वहाँ से वो डेटा लेक में डेटा लेके जाएगा और वहाँ से क्लाइंट को अपने दिमाग के थ्रू प्रोसेस करके प्रिडिक्शन और प्रेस्क्रिप्शन, यानी प्रिडिक्ट करेंगे हम आउटकम को कि ये आपकी मशीन ख़राब होने वाली है, ये आपका ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो प्रिडिक्ट करेंगे फेलियर को, प्रिडिक्ट करेंगे अच्छा आउटकम आने वाला है उसको भी प्रिडिक्ट करेंगे, और बाद में उसको प्रेस्क्राइब करेंगे कि कोई बुरा काम होने वाला है, कोई बुरा आउटकम आने वाला है, तो उसको ठीक करने के लिए क्लाइंट क्या कर सकता है। तो इस सारे काम के पीछे हमारा लॉजिक ये थी कि हमने एक ऐसा नाम सोचा कि वो एक्चुअली वो जानवर यही करता है जो ऑक्टोपस करता है। तो ये एक आई थिंक छोटी सी स्टोरी है। तो बाकी स्पिन ऑफ के पीछे क्या है जी, स्पिन ऑफ के पीछे हमारा मकसद ये था, देखें हमने ऑक्टोपस को बनाया है एक नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज कंपनी। तो हमने एवेंसियन से जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट था जिसे आफ्टर मार्केट सपोर्ट हम कहते हैं, उसको हमने स्पिन ऑफ किया, हमने उसको ऑक्टोपस में मूव किया, और हमने ये कहा कि आफ्टर मार्केट सपोर्ट जो है वो एग्जिस्टिंग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट में सर्विस कर रहा है। तो हमने अपने इन्वेस्टर्स को भी लास्ट ईयर ये कहा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये ऑलरेडी उन कस्टमर्स के पास मौजूद है जहाँ हम जाके डिजिटल सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, यानी यही प्रिडिक्शन और प्रेस्क्रिप्शन की सर्विस जो है ये सेल करना चाहते हैं। तो एक लॉजिकल फिट था, एक नेचुरल फिट था। हमने कहा कि ये AMS जो है ये मूव करते हैं हम ऑक्टोपस में, और ऑक्टोपस को स्पिन ऑफ करके एक सेपरेट कंपनी बनाए, क्योंकि हम ये चाहते ही हैं, हमारा ग्रोथ प्लान ये है और इन्वेस्टमेंट प्लान ये है कि इस कंपनी को हम इतना बड़ा कर दें कि ये एक वक्त आएगा कि ये अपने पेरेंट को यानी एवेंसियन को ही रिवर्स बाय कर लेगी। तो ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी को बनाने का, और इन्वेस्टर्स को हमने कमिट किया है कि इन्वेस्टर्स जो है वो उनको हम रिटर्न जो ऑफ़र करें वो उससे कई गुना ज़्यादा है जो हमने एवेंसियन में पिछले 8-9 साल में डिलीवर किया है। 2013 में एवेंसियन पब्लिक हुई थी, तो हमने तकरीबन कोई 2000% से ज़्यादा का रिटर्न एवेंसियन ने दिया है, वही उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न हम जो है वो ऑक्टोपस के सिलसिले में डिलीवर करना चाहते हैं। वेरी वेरी फैसिनेटिंग। असमार भाई, आप यूएई में कब से हैं? अच्छा खिजर, ये बात में यूएई तो मैं ज्वाइन किया था मैंने 2013 में एज कंट्री मैनेजर सेल्स, लेकिन मैं पिछले 2-2.5 साल से आई हैव बीन ट्रैवलिंग क्वाइट एक्सटेंसिवली, और जब से हमारा IPO का सिस्टम हुआ है तो मैं पाकिस्तान में बेस्ड हूँ, क्योंकि हमने सारी जो ऑक्टोपस की फंडिंग रेज़ की है वो पाकिस्तान से रेज़ की है, और हम पाकिस्तान में एक ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ पे लोगों को जॉब मिले और यहाँ से हम अपना ग्रोथ पैटर्न सेट करें। यहाँ से हमारा लर्निंग कर्व है, पाकिस्तान की वजह से ही हम आज जो कंपनी है वो हैं, और पाकिस्तान में हम अपना कॉन्सेप्ट प्रूव करें, साथ साथ मिडल ईस्ट में और US में हम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दुबई में, दोहा में, दमाम में, नाइजीरिया में और US में ऑपरेशंस हैं, तो पाकिस्तान से ऑपरेशन शुरू करके हम मिडल ईस्ट में और US में लॉन्च करें। जी अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि चूंकि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ तो इट माइट बी नॉर्मल टू कंटिन्यू विद द सेम कंपनी फॉर एवर, लेकिन मैं 19 ईयर से यूएई में हूँ एंड इट्स वेरी यूनिक। अगर कोई आपको मिले जो कहे कि आई हैव बीन विद द सेम कंपनी सिंस द स्टार्ट, so that's why it was very fascinating to hear from you that you have been with the group for a long time, so that's why I was a little bit interested to ask. So aap AVN ke sath bhi rahe hain, agar thoda sa aap bata de AVN ka jo overall aapne usme cheezein highlight to ki hain, what is the story behind AVN? एवियन को जो हम जानते हैं एज एन इन्वेस्टर, इट्स अ लीडिंग टेक कंपनी, और आप इसको किस तरह देखते हैं? अगर इसका स्टार्ट, प्रोडक्ट्स, कंपटीशन क्या है इसका? ठीक खिजर, मैं और किस तरह आप यूनिक हैं फ्रॉम अदर कंपटीटर्स? बिल्कुल ठीक है खिजर, मैं प्राइवेटली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेरी स्टोरी बड़ी प्राइवेट है, लेकिन मैं आई थिंक आज आपने चूँकि सवाल किया है तो मैं ऑडियंस को बताना भी चाहता हूँ कि मैंने एवेंसियन को ज्वाइन किया था फरवरी 2005 में, और मैंने ज्वाइन किया था ये कह के, मैंने अपने मैनेजर को उस वक्त ये कहा था कि जी मैं सिर्फ 3 महीने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए आया हूँ, इंटर्नशिप के बाद मैं छोड़ के तो मैं MBA करने बाहर चला जाऊँगा। तो हुआ ये कि एवेंसियन का जो, और ये इसलिए मैं तारीफ़ें नहीं कर रहा कि मैं एवेंसियन के साथ हूँ पिछले कोई 20 साल से या 18 साल से, बात यह है कि मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के साथ ही जो मुझे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिली विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि मैं कोई, आप समझें कि 18 साल के अंदर मैं कोई 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, यानी कंपनी के जितने मेन डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनी की जितनी मेन लोकेशंस हैं, उन सब पे मैंने US में काम किया, 5-6 मुल्कों और में काम किया, और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट गोज़ टू जो हमारे CEO हैं, फाउंडर हैं अवेंसियन के, बख्तियार हमीद वाई साहब, उनका शुक्रिया है, और साथ ही जो हमारी टीम है, जो मेरी टीम रही है, आई थिंक विदाउट द टीम आई कुडंट हैव बीन वेयर आई एम टुडे। सो वो टीम की वजह से ये आई थिंक एवेंसियन जो है वो इतनी मेरी लाइफ में एक ऐसी कंपनी बनी जिसके साथ मैंने हमेशा से कंटिन्यू किया और आइंदा भी करूँगा। अब आपका सवाल ये कि एवेंसियन का बिज़नेस क्या है। देखें, हमने ये कहा कि एवेंसियन जो है वो सारे वो काम करती है जो ऑक्टोपस नहीं करती। मतलब ये है कि एवेंसियन जो है वो एक प्रोजेक्ट्स कंपनी है, वो प्रोजेक्ट करती है ऑटोमेशन के, इंजीनियरिंग के, और हमारे क्लाइंट बेस सेम ही है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री, यानी जैसे नेस्ले है, PNG है, पेप्सी है, इस तरह के पावर प्लांट्स हैं, केमिकल प्लांट्स हैं, ऑयल एंड गैस के प्लांट्स हैं, वहाँ पर हम सर्विसेज देते हैं। तो एवेंसियन जो है वो प्रोजेक्ट कंपनी है, वो टाइम एंड मटेरियल बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट करती है, वो प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, छोटे भी प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट करती रही है, प्रोजेक्ट करती रहेगी। तो एवेंसियन का जो मॉडल है वो पाकिस्तान में तो हम मार्केट लीडर हैं ही, पाकिस्तान की तो सारी मार्केट तकरीबन हम जो है डोमिनेट करते हैं, और थैंक्स टू आर कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स जो हम पे ट्रस्ट किया है जिन्होंने पिछले 30 साल से, और वो भी सिर्फ इस वजह से नहीं किया कि हमसे कोई मोहब्बत है उनको, वो तो है ही है टाइम, वो मोहब्बत इस वजह से बनी है कि हम इन द हार्डेस्ट ऑफ टाइम्स हम मार्केट को छोड़ के नहीं गए। यानी हमने 2003 में दुबई में ऑफिस खोला, 2005 में कतर में ऑफिस खोला, 2007 में सऊदीया में खोला, 2007 में US में खोला, लेकिन पाकिस्तान में हमने ना अपनी स्ट्रेंथ कम की, ना पाकिस्तान में अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कम की। तो और नीडलेस टू से कि हमारे जो फाउंडर हैं, CEO हैं बख्तियार भाई, वो आज भी ही इज़ बेस्ड इन दुबई, बट वो आज भी पाकिस्तानी नेशनल है, और आज भी वो, तो आई थिंक इट गोज़ विदाउट सेइंग कि हमने इस मार्केट में इन्वेस्ट किया जब कोई और OEM या कोई और बड़ी कंपनी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने का सोच भी नहीं सकती थी। तो मतलब दहशतगर्दी के इश्यूज़ थे, और इश्यूज़ थे, सेफ्टी के इश्यूज़ थे, लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया उस टाइम में, तभी जो है वो हमें आई थिंक मार्केट ने और इन्वेस्टर्स ने उनका ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ। तो पाकिस्तान के साथ साथ हमने फिर मिडल ईस्ट में, जैसे मैंने कहा US में एवेंसियन ने ऑफिस खोले। तो एवेंसियन को ये आइडिया ऑक्टोपस का 2017-18 में आया। हमने ये कहा कि ये जो प्रोजेक्ट बिजनेस है, जो सिस्टम इंटीग्रेशन का बिजनेस है, इंजीनियरिंग का, वो चल नहीं सकता, वो आगे मतलब अगले 10 साल के अंदर उसकी वो शक्ल चेंज हो जाएगी, उसकी हाइयत चेंज हो जाएगी उस बिज़नेस की। तो अब ये इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे अंग्रेजी में वो कहते हैं ना, व्हाट हैज़ गॉटन अस हेयर इज़ नॉट गोइंग टू गेट अस देयर। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जो कि आजकल के करंट दौर के मुताबिक हो, जिसमें हमने फिर ऑक्टोपस का आइडिया सोचा। हमने कहा कि अब जो दुनिया है वो मूव हो रही है डेटा की तरफ, जैसे कहते हैं कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, कि आजकल का ऑयल जो है वो डेटा है। तो डेटा के थ्रू प्रेडिक्शन और प्रिस्क्रिप्शन की इंटेलिजेंस गैदर करना, OT डेटा की जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी का डेटा है, जो हमारी इंडस्ट्रियल डेटा है, टेलीमेट्री डेटा है, रॉ डेटा है, यानी रियल टाइम डेटा है, उसमें से इंटेलिजेंस निकाल के कस्टमर्स को देना। तो ये ऑक्टोपस करता है, और ये हम करते इस वजह से हैं प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं करते, ये हम सब्सक्रिप्शन बेसिस पे करते हैं। यानी हमारे कस्टमर्स को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें हमें मिला है कि वो हम ये कहते हैं कि भी आप अब दुनिया मूव कर रही है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। हर चीज़ जो है वो चाहे केबल हो, चाहे वो गाड़ी हो, ऊबर मॉडल हो, चाहे कुछ और हो, दुनिया अब जा रही है सब्सक्रिप्शन की तरफ कि आप कुछ चाहिए आपको, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको एम्प्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोजेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्रिप्शन पे वो ले लें और जब आपका दिल करे सब्सक्रिप्शन छोड़ दें, किसी और की तरफ चले जाएँ। तो हमने ऑक्टोपस ही मॉडल बनाया। तो अवेंसियन जो है वो ऑक्टोपस को कॉम्प्लीमेंट करती है, अवेंसियन जो है वो प्रोजेक्ट करती है ऑटोमेशन के, ऑक्टोपस जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे डेटा का काम करती है। जो डेटा अवेंसियन के प्रोजेक्ट से आता है वो ऑक्टोपस के सिले में मूव हो जाता है और हम उससे इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। असमार भाई, आपके दो तीन बड़े क्लाइंट्स कौन से हैं, और अगर आपका दो तीन जो बड़े नाम हो एज ए कंपटीशन आप उनको कंसीडर करते हो? देखिए, हमारे क्लाइंट्स अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में, तो हमारे क्लाइंट्स में नेस्ले है, जितने मेजर मल्टीनेशनल्स है, पीएनजी है, पेप्सी है, कोका कोला है। पाकिस्तान में तो जितने मेजर क्लाइंट्स हैं वो हमारे हैं। मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट में भी जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, जिसमें दुबई की बात करें तो एम्पावर है, दूसरे और अपना कतर की बात करें तो लुसेल सिटी का, मतलब, और सऊदीया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है सऊदीया में। तो आई थिंक हमारे क्लाइंट, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को हम सर्व करते हैं, पाकिस्तान में तो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट में हमारी इंडस्ट्री है प्राइमरली वाटर, वेस्ट वाटर, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप दुबई मेट्रो में सफ़र करते होंगे, दुबई मेट्रो में जो उनका टनल वेंटिलेशन सिस्टम है वो 2008 और 9 में हमने इम्प्लीमेंट किया था। आज तक वो सिस्टम ज़ीरो डाउन टाइम के बगैर चल रहा है, यानी आज तक मेट्रो बंद नहीं हुई उस सिस्टम की वजह से। तो ये आई थिंक कुछ पॉइंट्स ही हैं। तो बाकी हमारे जो कंपेटिटर हैं, आई थिंक हम ये समझते हैं ऑक्टोपस के सिलसिले में कि ऑक्टोपस ने जो क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जो हमने डेटा लेक बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे डेवलप किया है, वो प्लेटफॉर्म का कोई कंपेटिटर इस वक्त हमारी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में कोई नहीं है। तभी हम इसके बिग बैंग के साथ हम मिडल ईस्ट में और यूएस में जाना चाह रहे हैं इसमें। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीइंग अ पाकिस्तानी आईटी कंपनी, आपको किस तरह से चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है ग्लोबली और लोकली? कोई हैं, या अगर कोई डिसएडवांटेजेस हैं या एडवांटेजेस हैं, इफ़ यू वुड लाइक टू हाईलाइट फ्यू? देखिए, मैं एक ही बात करूँगा। अभी हमारे बिजनेस की मीटिंग भी हो रही थी, अभी हम स्ट्रेटजी पे काम करें कि हम कैसे ऑक्टोपस को ग्रो करवाएंगे पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, यूएस में। तो उसमें एक बात हुई कि जी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि हमारा चैलेंज शायद एक्सटर्नल है, यानी हमारी कंपनी से बाहर है। तो मैंने ये कहा कि नहीं, हमारा चैलेंज जो है सबसे बड़ा बाहर तो अपॉर्चुनिटी है, बाहर तो डेटा के ऊपर काम करने की, और हम जिस मार्केट में है यानी इंडस्ट्रियल डेटा, जो टेलीमेट्री डेटा रियल टाइम, उससे डेटा को लेके हम जो क्लाउड नेटिव, उसकी तो अपॉर्चुनिटी है। हमारा बिगेस्ट चैलेंज है इंटरनल। तो इंटरनल से मुराद ये ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो स्किल सेट हमें चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी भी है और ये थ्रेट भी है बिजनेस के लिए बहुत बड़ा। यानी हमें काम ये करना, कॉन्टीन्यूसली हम ये काम करेंगे कि अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि हमारा जो HR है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो हमारे साथ स्टिक भी करे, ज्वाइन भी करे और इन्जॉय करे अपने वर्क को, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी कैरियर ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, सब ग्रोथ हमारे ऑक्टोपस के साथ वो देखे। और इसी बेस के ऊपर हमने अपनी सारा पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तरतीब दिया। तो बिगेस्ट चैलेंज का आंसर यही है कि वो इंटरनल है और ह्यूमन रिसोर्स का है। सही, सही। और आप एवीएन को या ऑक्टोपस को कहाँ देखते हैं 5 और 10 ईयर्स? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि इन 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, हमारा बिजनेस प्लान तो अभी 6 साल का है जो हमने कमिट किया है। लेकिन ऑक्टोपस को अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ऑक्टोपस अपने पेरेंट को रिवर्स बाय कर लेगा, यानी एवेंसियन जो, क्योंकि देखें दुनिया जो है वो मूव कर रही है डेटा बिजनेस की तरफ। सिस्टम इंटीग्रेशन के प्रोजेक्ट्स सिस्टम इंटीग्रेशन वैसे की वैसे ही रहेगी या कम होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अमेरिका में तो ऑलरेडी कम हो गई है, मिडल ईस्ट में भी बहुत सी कंसोलिडेशन चल रही है, यानी ईपीसी कंपनीज एमईपी कंपनीज को एक्वायर कर रही हैं, एमईपी कंपनीज हम जैसे सिस्टम इंटीग्रेटर्स को एक्वायर कर रही हैं। तो वहाँ पाकिस्तान में ये कंसोलिडेशन काफ़ी आ चुकी है, तो दुनिया मूव करी है डेटा बिजनेस की तरफ। तो एक तो ऑक्टोपस का ग्रोथ पैटर्न ये होगा कि वो एवेंसियन को रिवर्स बाय कर लेगी, यानी वो अपने पेरेंट को ही बाय कर लेगी, इतनी बड़ी हो जाएगी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ये तो इंटरनल एक ग्रोथ पैरामीटर है, जो एक्सटर्नल ग्रोथ पैरामीटर है वो ये कि मैं ये समझता हूँ कि ऑक्टोपस में पूरा रूम है ग्रो करने का, कि मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू हम $1 बिलियन प्लस को टच करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक ऐसी कंपनी बनेंगे जो कि इंडस्ट्रियल डेटा को, जो आज तक अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड है, यानी एड टेक है, फिनटेक है, रिटेल टेक है, लीगल टेक है, इन इंडस्ट्रीज़ में तो लोग क्लाउड पे जा चुके हैं, यानी रिटेल है, लीगल है, एजुकेशन है और फाइनेंस है, ये तो जा चुके हैं क्लाउड पे। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री है वो क्लाउड पे नहीं गई, उसको हम लेके जा रहे हैं पहली दफ़ा। मैं ये समझता हूँ कि इसके थ्रू पैसे तो एक चीज़ होगी, वो तो सेकेंडरी बात है, वो तो रेवेन्यू टारगेट है, वो तो हम अचीव कर लेंगे। असल चीज़ ये है कि हम एक ऐसी कंपनी बने जिसको मैं ये समझता हूँ कि लोग अपने आप खुद भी, अपने बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी रेफ़र करें कि टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके लिए काम करें। और हम इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को भी, मिडल ईस्टर्न इंडस्ट्री को भी और यूएस की इंडस्ट्री को भी हम एक नए लेवल पे लेके जाएं, जहाँ इंडस्ट्री जो है वो कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस करे, पेरिस एग्रीमेंट को भी इम्प्लीमेंट करे। और ये करेंगे कैसे कि ये डेटा के थ्रू ही करेंगे। जब डेटा को ऑप्टिमाइज करेंगे, डेटा का यूज़ करेंगे, अपने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो फाइनली ये होगा कि आप कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेंगे। और ये हमारी कंट्रीब्यूशन होगी कि हम इस प्लेनेट के ऊपर अपनी कंट्रीब्यूशन करके हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को इस तरह से एड्रेस करने का इरादा रखते हैं। तो ये एक रेवेन्यू टारगेट भी है और एक सोशल टारगेट भी है जो हम अचीव करना चाहते हैं इन 10 ईयर्स। Excellent, excellent, and good luck with that, Asmar bhai. अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है अबाउट IT इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। कुछ दिन पहले वो मैंने रिपोर्ट पढ़ी भी थी पाशा की और शेयर भी की थी, वो तो इतनी इनकरेजिंग नहीं थी। तो आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान IT इंडस्ट्री को? आप कोई क्या चैलेंजेस हैं, क्या होना चाहिए, फ्यूचर क्या है इसका आपकी नज़र से? किस तरह आप, हाउ डू यू व्यू इट? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो बात यह है कि हकूमत पे सारा कुछ डालने की बजाय, हकूमत ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने टैक्सेस भी कम कर दिए, IT कंपनी के टैक्सेस भी कम कर दिए। हकूमत को छोड़ें, हकूमत ने तो अपना काम कर दिया। मुझे लगता है कि हमें एज बिजनेस लीडर्स हमें ये देखना चाहिए कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ किस चीज़ में है, किस एरिया में है। और मुझे ये लगता है कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, इमर्जिंग टेक में, जिसका मतलब ये है कि वो PwC का एक सर्वे भी आया, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने, जिसमें 9 किस्म की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को टच किया गया है। जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी है, जिसमें ऑक्टोपस काम कर रही है, वो बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जबकि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इमर्जिंग टेक में, जो कि क्रिप्टो करेंसी है और दूसरी इस तरह की इंडस्ट्री, 3D प्रिंटिंग है और इस तरह की इंडस्ट्री है। तो मैं ये समझता हूँ कि IT इंडस्ट्री का हमारे मुल्क में फ्यूचर जो है वो पुरानी डेवलपमेंट को और IT को छोड़ के नई जो इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उनको एडॉप्ट करने में ही हमारे फ्यूचर है और हमारी सेफ्टी है। और आई थिंक बहुत सी कंपनियाँ अब इस तरफ आ रही हैं, हैंस कि ऑक्टोपस ने 3.25 साल पहले शुरू किया है। हम ये समझते हैं कि जैसे 30 साल पहले जब हमने एवेंसियन शुरू की थी तो पाकिस्तान में कोई बंदा ऑटोमेशन नहीं लेता था, कोई बंदा कंट्रोल सिस्टम नहीं खरीदता था। हमने स्टार्ट किया, बख्तियार साहब ने स्टार्ट किया पाकिस्तान में, UPS बेचने से शुरू किया, कंप्यूटर बेचने से शुरू किया। आप इमेजिन करें 85 में कंप्यूटर बेचने से शुरू किया और आज वो कंपनी जो है वो पाकिस्तान की और बाहर की भी मल्टीनेशनल इतनी बड़ी बन गई। हम ये समझते हैं कि इमर्जिंग डिजिटल टेक में भी पाकिस्तान को हम आगे लेके जाएँ और पाकिस्तान भी यूज़ करे और बाकी जो है वो बाहर की दुनिया भी तो खैर हमसे बहुत आगे है, वहाँ भी हम बेहतर तरीके से काम करें और हम अपनी डिस्टिंक्शन क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच अस्मार भाई। आधा घंटा हो गया सेशन में, अब I will request the audience to raise your hand, ask for a mic, and then raise your hand for any questions. Samar, please go ahead. Samar, please go ahead. Unmute yourself and go ahead. Okay. Assalamu alaikum. मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल. Okay, so असमर, काफ़ी अच्छा लगा आपको सुन के. कुछ सवाल हैं मेरे, आपकी बातों से ही मैंने ड्राइव की है, तो हो सकता है आपको कुछ पसंद आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात की कि एवियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जो डेटा निकलता है वो ऑक्टोपस का फ्यूल है, उसको मैं फ्यूल कहूँगा कि जो एवियन के प्रोजेक्ट से डेटा निकल रहा है उसका जब फ्यूल यूज़ कर रहे हैं ऑक्टोपस में. तो बात का जो आपका प्लान है वो ये है कि ऑक्टोपस एवियन को बाय कर लेगा, तो क्या आप इस चीज़ को पूरा मर्जर कर देंगे? लाइक ऑक्टोपस ही जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड भी काम किया करेगी, या क्या प्लान है उसका? समर, थैंक यू वेरी मच. ये तो मैंने अपनी एक फार फेस्ट विश बताई है. देखें, आपने जो फ्यूल का लफ्ज़ यूज़ किया मुझे बहुत पसंद आया. आई थिंक मैं अपनी स्पीच में आज के बाद ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा. ये बहुत समझने के लिए बहुत बेहतर लफ्ज़. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. बाकी ये कि देखें, जब रिवर्स बाय की बात आती है तो ये आती है कि आज अवेंसियन जो है वो 38 के 40 मिलियन डॉलर की कंपनी है. इमेजिन करें कि अगर ऑक्टोपस 5 साल के बाद जो हमने फाइनेंशियली कमिट किया हुआ है अपने शेयर होल्डर से, अगर ऑक्टोपस 50 या 55 मिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती है और हम सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है हमारा वो दुनिया में और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, जो कि कर रहा है ऑलरेडी, तो आप इमेजिन करें कि एवेंसियन ही नहीं, हम और भी कितनी कंपनीज को मर्जर एक्विजिशन करके, जो अभी आपको खबरें भी मिलेंगी और बेहतर किस्म की, तो हम करेंगे. तो एवेंसियन तो हमारा एक मतलब एक होम ग्राउंड है ना. अवेंसियन तो हमारा टारगेट नहीं है. हमारा तो टारगेट है कि दुनिया में जाके हम जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे साथ पार्टनरशिप भी करेंगे उसमें, और जिन कंपनीज को हम एक्वायर कर सकते हैं हम एक्वायर करेंगे टू ग्रो. सो मर्जर और एक्विजिशन हमारा टारगेट होगा. इसमें क्या होता है ये आई थिंक कुछ चीज़ें स्टोर में भी रहने समझ बेहतर पैसेज ऑफ टाइम आपको हम बताएंगे भी, इन्वेस्टर्स को भी बताएंगे. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. बिल्कुल. अच्छा, मेरे पास टोटल कोई 5 सवाल आते हैं, तो एक और फिर सवाल है मेरा कि आपने एक और बात की थी कि लाइक जैसे क्वालिटी पे आपने बात की कि क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी है कि जो एक मेट्रो की आपने डिस्कशन की कि मेट्रो आज तक बंद नहीं हुई. सो प्लान आपका ये है कि आप मज़ीद एक्सपेंशन करने वाले हैं, राइट? तो जो आपकी मैनेजमेंट है वो टोटली पाकिस्तान बेस्ड है. मतलब मेरा सवाल कुछ इस तरह का है कि जो मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान से हैंडल करती है बात, या आपने हर जगह पे एक ऐसा रखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो है वो सही रहेगी? क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है तो क्वालिटी को मेंटेन करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो इसके बारे में आप लोग का क्या प्लान है? बहुत अच्छा सवाल है समर आपका. आई थिंक हमारी जो मैनेजमेंट है उसके बारे में मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ. एक तो ये है कि ऑक्टोपस के अभी छोड़ें, ऑक्टोपस को ऑक्टोपस की बात में करता हूँ. पहले एवेंसियन की बात सुन लें. एवेंसियन की जो मैनेजमेंट है वो हर रीजन में, हर मुल्क में अपनी मैनेजमेंट है, और फिर एक ऑब्वियसली एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है जैसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पूरी कंपनीज में है. तो हमारे जनरल मैनेजर्स जो हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स जो हैं वो हर मुल्क, पाकिस्तान के सेपरेट हैं, मिडल ईस्ट के सेपरेट हैं, कतर के, सऊदीया के सेपरेट हैं, दुबई के सेपरेट हैं, इस तरह US के सेपरेट हैं. तो हमारे हर मुल्क में अपनी सेल्स फोर्स है, अपनी इंजीनियरिंग फोर्स है, अपनी सपोर्ट की फोर्स है. तो हर मुल्क का अपना, बिकॉज देखें जब तक आपकी इंजीनियरिंग, जब तक आपकी सेल्स लोकलाइज नहीं होगी, तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्वालिटी के इशूज आते हैं. तो बिल्कुल हम पाकिस्तान से बैठ के सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है. और ये है कि उनका विजन ये है कि हमने इंटरनेशनली ग्रो करना है, और इंटरनेशनली हमने अभी तो हम 5 मुल्कों में है ना, लेकिन हमारा जो मॉडल है नया ऑक्टोपस का, उसका मॉडल ये है कि उसने जियो सेंट्रिक और ट्रांसनेशनल मॉडल है, जिसमें हमने तो ये किया है कि ऑक्टोपस में शायद हम बंदों को ऑफिस आने के, क्योंकि वो सारा जो है वो क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म है, वो हम बना हम ये रहे हैं कि इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी बंदे शायद दुनिया में जहाँ भी बैठे हों, हमारे एम्प्लॉयज़ जहाँ भी हों, वर्क फ्रॉम एनीवेयर करें और हम दुनिया में किसी भी जगह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप इमेजिन करें, अभी तो ये होता है ना कि बंदे को जाना पड़ता है और उसको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेचना पड़ता है, प्रोजेक्ट करना पड़ता है, वहाँ लगाना पड़ता है। तो आपने जो बात की समर फ्यूल की, एक दफ़ा वो डेटा आ गया या फ्यूल आ गया तो बंदा तो कहीं भी बैठ सके दुनिया में, किसी भी फैक्ट्री को रिमोटली कनेक्ट करके डेटा से इंटेलिजेंस गैदर करके दे सकता है। तो ये हमारा प्लान है। तो वो होगा जियो सेंट्रिक कि मैनेजमेंट जहाँ भी बैठी हो, बंदे जहाँ भी बैठे हो, कस्टमर्स जहाँ भी मौजूद हो दुनिया में, हम उसको स्केल कर सकें और कस्टमर्स की हेल्प कर सकें। समर आप सुन रहे हैं? मेरा ख्याल है समर यू आर बैक। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी गो अहेड। ओके, सो थैंक यू, काफ़ी आपने ब्रीफ एक आंसर दिया इसका। और अच्छा, एक और जो आप मैं एक चीज़ जो मैंने आपकी बातों से ड्राइव की वो ये की कि का जो ऑक्टोपस का जो टोटली डिपेंडेंसी है वो है क्लाउड के ऊपर, राइट? एंड जो क्लाउड की जो सर्विसेज अभी अवेलेबल हैं उसमें से सबसे फेमस मेरे ख्याल से AWS है। तो मे बी आप लोग AWS यूज़ कर रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल हो, लेकिन क्लाउड सर्विस के अंदर सबसे फेमस इस वक्त AWS है। तो क्या ऑक्टोपस जो है वो क्या अपना कोई प्लान रखती है आगे, या उसका अभी भी अपना ही कोई क्लाउड है उसने बिल्ड किया हुआ है, कोई प्लान है या बिल्ड किया हुआ है इसके वाले से आप लोग का क्या वो? समर में मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप इतने टेक्निकल और अच्छे सवाल कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड मुझे पता करना पड़ेगा कि क्या है। आई थिंक आपके क्वेश्चंस बहुत पर्टिनेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रियली एंजॉय करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे कस्टमर्स भी हमसे पूछते हैं कि भाई आप ऑक्टोपस में कौन सा क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, आप हमारा डेटा लेके जाने अपने क्लाउड पे। तो इसमें होता समझ, थोड़ा सा अलाउ मी कि मैं थोड़ा सा टेक्निकल जवाब दे दूं इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों का जानना। देखिए, दो किस्म के क्लाउड होते हैं, एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड जो है वो एवेंसियन का अपना क्लाउड हो सकता है या किसी कंपनी का अपना क्लाउड हो सकता है जो उसने अपनी बेसमेंट में बनाया हो, कंप्यूटर रख के वहीं डेटा सेंटर बनाया हो, क्लाउड बनाया हो। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कि सस्ता, ये हम हमेशा सस्ता पड़ेगा। इस वजह से हम गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और आपने ये कहा कि AWS अमेज़ॉन का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है एजर। हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमने पार्टनरशिप की है और पार्टनरशिप की हमने ग्लोबली। तो पॉइंट ये है कि आपके मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि AWS जो है वो B2C में तो बहुत अच्छा है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर के, यानी आज कितने जैसे काखफोक है या डिफरेंट दुनिया के कंपनीज हैं जो कस्टमर्स को डील करती हैं, कंज्यूमर्स को डील करती हैं, एंड यूज़र को। उस केस में तो AWS बिल्कुल ठीक है कि आज कितने टमाटर बिके, आज कितने प्याज बिके किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, उस केस में, या कितनी बैंक की ट्रांजेक्शन हुई, उस केस में तो AWS ठीक है। लेकिन जो इंटरप्राइज लेवल क्लाउड है वो माइक्रोसॉफ्ट का एजर क्लाउड है, एजर कहते हैं या कुछ लोग एजोर भी कहते हैं। तो उसके साथ हमने पार्टनरशिप किया है। क्यों पार्टनरशिप किया? हालांकि वो महंगा है, पार्टनरशिप हमने इसलिए किया है कि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर तरीन, आप मुझे, और इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि वाइट हाउस ने जो रिसेंटली पेंटागॉन का जो जेडी का कॉन्ट्रैक्ट है, और आप सब लोग इसको गूगल कीजिएगा, पेंटागॉन का जेडी JADI जेडी का जो कॉन्ट्रैक्ट है $10 बिलियन का वो कॉन्ट्रैक्ट है कि पूरे पेंटागॉन का डेटा। अब मैं ये नहीं कहता कि बाकी दुनिया का डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पेंटागॉन का डेटा तो जो US का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसका डेटा तो सिक्योर होगा ही होगा ना। उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोसॉफ्ट एजर को, उसमें भी दो पार्टीज ही कम्पीट कर रही थी, माइक्रोसॉफ्ट और AWS। तो मैं मिसाल सिर्फ ये देना चाह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एजर जो है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए इंतहाई सिक्योर क्लाउड है, उसी पर हम जा रहे हैं, उसी पे हमारी सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हमने अपना कोई क्लाउड बेसमेंट में नहीं बनाया हुआ। समर, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? समर, हाफिज साहब, यू गो हेड प्लीज, मेन टाइम। अस्सलाम वालेकुम लाइक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए। असमार साहब अस्सलाम वालेकुम। असमार साहब, basically I'm INC engineer, and since last 15 years, I know AVN. When I was in Pakistan 5 years, petrochemical plant में था और वहाँ पे AVN के साथ different projects करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह. और now I'm in Saudi Arabia since last 10 years. और अभी जो है मैं एक यूटिलिटी एंड पावर कंपनी में हूँ. बेसिकली सेमी गवर्नमेंट कंपनी है और रिहेबिलेशन ऑफ कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स काफ़ी हम लोग इस वक्त कर रहे हैं. मैं आपकी बात से जो अंदाज़ा मैंने लगाया कि डिजिटाइजेशन ये ऑक्टोपस के स्कोप में आएगा या एवीएन के स्कोप में आएगा, ये मेरा पहला सवाल है. सर मैं एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आपने चूँकि हमारे साथ काम भी किया है, आपका क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है. देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक है डिजिटाइजेशन जिसका आपने जिक्र किया, एक है डिजिटलाइजेशन. डिजिटाइजेशन ये है कि जैसे इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि बहुत सी रिपोर्टें जो हैं वो हर और मैंने तो नासा में भी देखा हुआ है कि रिपोर्टें एक्सेल में बनती है, यानी डिफरेंट साइलोस में डिफरेंट सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं. प्रोडक्शन का, प्रोसेस का, हर किसी का अपना डैशबोर्ड है, ENI का अपना डैशबोर्ड है, अपना सिस्टम है. तो उनको इकट्ठा करने के लिए एक्सेल में वो लेके जाते हैं. डिजिटाइजेशन ये है कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं कि मैनुअल जो काम हो रहा है उसको हम सबसे पहले डिजिटाइज करें और हम उसको लेके आएँ किसी भी फॉर्मेट में जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हो. उसके बाद डिजिटलाइजेशन ये जो ऑक्टोपस का काम है वो ये है कि एक दफ़ा डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, यानी मैनुअल फॉर्म की बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, तो उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को क्लाउड पे ले जाकर, और माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, हमारा कोई क्लाउड नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में ले जाके उस पे प्रिडिक्शन और प्रेस्क्रिप्शन डेटा एनालिटिक्स के थ्रू करके देना. इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको मैंने नाम OmniConnect जिक्र किया. वो ये करता है कि OT डेटा जो है, टेलीमेट्री रियल टाइम डेटा है फैक्ट्री का, जैसे आप पावर प्लांट पे, यूटिलिटी प्लांट पे आपने काम किया, तो यूटिलिटीज़ का डेटा जो है, जैसे बॉयलर्स हैं, चिलर्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, जनरेटर्स हैं, टर्बाइंस हैं, इनका डेटा जो है वो हम लेके जाते हैं क्लाउड के ऊपर और उससे हम उनकी एफिशिएंसी और जिससे पैरामीटर्स जो हैं वो बेंचमार्क करते हैं. तो ये आई थिंक आपके सवाल का जवाब है. हैव आई आंसर द क्वेश्चन? तो यानी ये ऑक्टोपस के स्कोप में आएगा ये? जी ऑक्टोपस के स्कोप में आएगा. तो असमार साहब इस वक्त हम लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ और रॉयल कमीशन जो है इस वक्त आप ये समझ जाएं कि सऊदी अरब की बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज 5 इंडस्ट्रियल सिटीज़ के अंदर रॉयल कमीशन है और जहाँ जहाँ रॉयल कमीशन होती है वहाँ हमारी जो कंपनी है मराफिक, ठीक है, हम लोग बेसिकली यूटिलिटी एंड पावर में जनरेशन भी है और पूरा सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पोर्टेबल वाटर का और रिक्लेम वाटर का और सी वाटर कूलिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है. और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर हूँ और यम्बो में भी हमारे प्रोजेक्ट एवीएन के साथ चल रहा है. तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी कि ऑक्टोपस एक पाकिस्तानी कंपनी है और अगर मेरी हेल्प हो सके, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मैं इंशाल्लाह डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो है वो आपके सेमिनार्स वगैरह या आपकी मीटिंग्स वगैरह भी अरेंज कर सकता हूँ. आप खिज़र भाई से मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं. थैंक यू हाफिज़ भाई. अच्छा थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल. और एक और मेरा सवाल था, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि ऑक्टोपस इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके एवीएन को ही बाय कर लेगा, लेकिन मैं क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट में अपना अकाउंट खोला हुआ है और उसके बाद ही मैंने PSX के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ. तो एवीएन तो मैं बाय कर सकता हूँ क्योंकि वो शरिया कंप्लायंट शेयर के अंदर आता है, लेकिन ऑक्टोपस बाय नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन शरिया कंप्लायंट में स्टिल आ रहा है. तो इसके लिए आप लोग थोड़ा काम करें ताकि अभी से इन्वेस्टमेंट करें उसके अंदर, ताकि वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी हमारी फ्रूटफुल हो सके. ये मेरा सवाल था. हाफिज़ साहब मैं आई कैन नॉट थैंक यू एनफ कि आपने इतना अच्छा पॉइंट रेज किया. ये आई थिंक मैं इसको बिल्कुल अपने जो फाइनेंस के लोग हैं उनको ये कहूँगा, और टू बी ऑनेस्ट मेरे जहन में ये पॉइंट आना चाहिए था, पहले नहीं आया, आपके तवस्सुत से पहली दफ़ा आया है. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. थैंक यू वेरी मच. मैं इसको रेस करूँगा, आई थिंक इसको हम बना लेंगे शरिया कॉम्प्लाइंट. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. सलाम. थैंक यू सर. थैंक यू. साद साहब आप प्लीज़ गो हेड. साद जी अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज़ आ रही है जी? बिल्कुल जी. मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस टॉक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एवरीबडी, स्पेशली असमार साहब. मेरा क्वेश्चन जो है बिकॉज आप ये कह रहे थे कि डेटा एंड AI को यूज़ करके यू आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग द डेटा टू डू लाइक टू गैदर मोर नॉलेज आउट ऑफ इट, जिससे मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन हो सके. और जैसे आपने मेंशन भी किया कि आपका गोल है कि आप कार्बन फुटप्रिंट इस तरह से कम करना चाहते हैं, विच आई थिंक इज़ अ प्रीटी गुड आइडिया एंड गुड लक टू यू फॉर दैट. तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है, डू यू ऑल्सो थिंक कि हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक जस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हम किसी तरह से उस हेल्थ के डेटा को एनालाइज करके उसको एआई के थ्रू पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया जा सके. डू यू थिंक इट्स फीजिबल इन पाकिस्तान टू डू और यू गाइज आर ऑलरेडी डूइंग इट, और क्या आपको लगता है कि दिस कुड बी अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ऑल द privacy issues of the health data or something like that? So what are your views on that? Thank you very much. ये भी I think personally मेरे लिए मेरे heart के बहुत close है ये topic health का, और मैं यही कह सकता हूँ कि मैं हालांकि हमारा business जो है वो तो manufacturing और process industry के data को handle करने का है जो real time data होता है जो मशीनों से या control system से निकल रहा होता है, लेकिन health से related मैंने personally कनेक्ट करके कुछ कंपनी पाकिस्तानी कंपनी से मीटिंग की जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स बना रही हैं. तो उसमें एक कंपनी, मुझे नाम नहीं लेता मैं बिकॉज हमारी निगोशिएशन उनके साथ चल रही है, वो ये था कि उस कंपनी ने ब्रेस्ट कैंसर विच इज़ कंसिडर्ड टू बी एक टैबू है, लोग उसके बारे में बात नहीं करते, और तो उस कंपनी ने पाकिस्तान भर के जो एक्सरेज हैं डिफरेंट हस्पतालों के ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड उनका डेटा जमा किया, उनको डिजिटाइज किया जैसे हाफिज साहब ने भी कहा, और बाद में वो हमसे बात की उन्होंने कि यार हमारे पास पाकिस्तान के लाखों करोड़ों ब्रेस्ट कैंसर के एक्सरे आ गए हैं, अब हमने एनालाइज ये करना है कि किस एक्सरे में ये मामूली सा भी शायबा है कि इस बंदी को कैंसर होने वाला है. अब ये बात मैंने कहा उनका, आप ये बात करते हैं असमार साहब प्रेडिक्शन की, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपका एल्गोरिदम ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि एक खातून को कुछ अरसे के बाद कैंसर होने वाला है क्योंकि उसके जिस्म में ये चेंजेस आ रही हैं? तो हमने कहा कि बिल्कुल ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के उसमें इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू ऐसी कैपेबिलिटी है, लेकिन चूंकि ये हमारा बिजनेस नहीं है, अभी हम इस लाइन में गए नहीं है, अभी हमारा बिजनेस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंडस्ट्री का. लेकिन आपकी बात, प्राइवेसी के इश्यूज़ कोई नहीं होंगे, पाकिस्तान में बहुत सी कंपनी ये काम कर रही हैं, ऑलरेडी कोशिश कर रही हैं. हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया अभी उसमें हेल्थ के डेटा को इस तरह करने की गुंजाइश नहीं है, हम तो मशीनों का और उन चीज़ों का ये डाटा करते हैं. लेकिन आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि ये इतना बड़ा रूम है कि अगर आप पेशेंट को प्रिडिक्ट कर सकें और एक्यूरेटली डेटा की बेस पे प्रिडिक्ट कर सकें कि उसको ये तकलीफ, दिल की तकलीफ या और डायबिटीज़ या कुछ और भी होने वाला है, तो इमेजिन करें कि आप उसकी कितनी ह्यूमैनिटी की कितनी सर्विस कर रहे होंगे. सो वेरी वैलिड पॉइंट, लेकिन सो सॉरी टू से कि हम अभी इस बिजनेस में नहीं हैं. बदर साहब प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम जी, दो सवाल है मेरे. एक तो अस्मार साहब, आप कब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 बिलियन का सेल्स टर्नओवर कब तक, कितने अरसे में आप अचीव कर जाएंगे? मेरे ख्याल अभी तो 50-60 करोड़ की उसमें चल रहे हैं. और दूसरा ये है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो कब पॉजिटिव हो जाएंगे? अगेन बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं आपके. देखें जी, अभी तो अगर आप ऑक्टोपस की बात करते हैं तो ऑक्टोपस तो अभी हमने यानी पब्लिक किया है, अभी हमने पैसे रेस कर लिए जितने हमें चाहिए थे. 20% अपने हमने शेयर्स अपने फ्लोट किए हैं, हमें कोई 800-900 मिलियन चाहिए था, हमने वो 1000 मिलियन के करीब रिसीव कर लिया है. और हम अपना जो ग्रोथ इंजन है, जो आईपी अपनी बनानी है, जैसे मैंने ओमनी कनेक्ट का जो प्लेटफॉर्म उस पर हम पैसे लगा रहे हैं, बंदे हायर कर रहे हैं, और अपना जो प्लान है उस पर ऑन ट्रैक है. अब बाकी बात रहेगी कि हमने एक तरह से हॉकी स्टिक है, यानी आप ये कहते हैं कि आपने इन्वेस्टर से ये कहा है कि भाई 1.5-2 साल आप हमें दें. आप पहले साल से हमने अपना प्रॉफिट दिखाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन हमारा जो रियल गेम है, रिटर्न है इन्वेस्टर्स को जो ह्यूमंगस है, वो 2.5-3 साल के तक आना शुरू होगा. पहले साल भी प्रॉफिट होगा, रिटर्न मिलेगा, दूसरे साल भी प्रॉफिट होगा, रिटर्न मिलेगा, लेकिन तीसरे साल से वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा क्योंकि दुनिया जो है वो डेटा बिजनेस की तरफ मूव हो रही है. हमारा जो बिजनेस प्लान है वो इस चीज़ को पूरा करता है और टैप करता है इस अपॉर्चुनिटी को दुनिया भर में. अभी देखें, हमने 5-6 मुल्कों में जाना है, यूएस में जाना है जो सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे एडवांस मार्केट है. तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सारे नंबर्स हमारे बिजनेस प्लान में, जो बिजनेस प्लान के फाइनेंशियल मॉडल में दिए हुए हैं, जो बड़ा ओपन है, सारे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर्ड है, उस पर हम अब चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स हमें ट्रैक करें, हमारी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, हमसे सवाल भी करें। तो उसमें हमारा जो कैश फ्लो है वो पहले साल दूसरे साल में, पहले साल में पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये कि हमारा बिजनेस जो है वो ऑक्टोपस का उसकी नेचर ये है कि वो पहले दिन से, यानी आप सब्सक्रिप्शन साइन करते हैं तो पहले दिन से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका सवाल एवेंसियन के ऊपर है कि एवेंसियन, तो एवेंसियन के नेचर ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट बेस है। आज प्रोजेक्ट साइन होता है तो उसके पैसे 3 महीने बाद, कोई 6 महीने के बाद माइलस्टोन की बेस पर आते हैं। तभी हमने ये ऑक्टोपस का बिजनेस शुरू किया है, इसमें जो है वो क्लाइंट से पैसे, तो कैश पॉजिटिव होने में हमें मसला नहीं होगा ऑक्टोपस के केस में, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ऐसी सब्सक्रिप्शन ये है जैसे आपके घर में केबल वाला है, आप केबल के पैसे देते हैं तो हर महीने पैसे देते हैं। यही मंथली सब्सक्रिप्शन का मॉडल हम ऑक्टोपस में लेके आए। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। जी, और ये सब्सक्रिप्शन तो एक मेरे ख्याल है इज अ सक्सेस स्टोरी। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को देखते हैं तो उनका जी ये जो ऑफिस 365 से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद तो इट्स अ सक्सेस एंड आई थिंक इट्स अ फ्यूचर आल्सो टू गो फॉर सब्सक्रिप्शन मॉडल। अवैस भाई प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो एक सवाल है, आपकी रिपोर्ट में गो थ्रू करता है। पहले तो ये है कि आप कब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो, अभी तो वैल्यूएशन चल रही है तकरीबन आई बिलीव 9 बिलियन रुपीज़ की, राइट? तो आप कब एक्सपेक्ट करते हैं 20 या 30 बिलियन रुपीज़ टच कर सकती है इन अ टाइम पीरियड 3 इयर्स 5 इयर्स? हाउ मच इज़ योर ओन एक्सपेक्टेशन? बस दूसरा क्वेश्चन था, वन मोर पर्टिनेंट क्वेश्चन था आपकी, एज पर द एनुअल रिपोर्ट यू हैड अराउंड 27 एम्प्लॉयज़, राइट? बट एज पर द नंबर ऑफ रेम्यूनरेशन दैट यू पे टू द एम्प्लॉयज़ वाज ओनली अबाउट 24 मिलियन रुपीज़। अब मुझे ऐड अप नहीं कर रहे नंबर्स, या तो हम काफ़ी अंडरपेड कर रहे हैं आईटी प्रोफेशनल्स को, जो हाई वैल्यू आईटी प्रोफेशनल इंक्लूडिंग द टॉप मैनेजमेंट, या फिर जो है ये आपकी शेयर्ड कॉस्ट है विद एवेंसियन। तो अगर इस तरह क्लियर कर देंगे कि आपके जो एम्प्लॉयज़ है, जो 27 जो आपने नंबर दिया बाय 2021 की रिपोर्ट में, क्या ये सारे एम्प्लॉयज़ 100% ऑक्टोपस के हैं या फिर दे आर शेयर्ड रिसोर्सेज? थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन। सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, पर अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक मैं दूसरे सवाल का पहले आंसर कर देता हूँ। वो ये है कि देखें, हमारे ऑक्टोपस में फ़ायदा सबसे बड़ा ये हमें कि जो सपोर्ट डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो हम एवेंसियन के साथ शेयर करते हैं। यानी यह कि हमें अपना ऑक्टोपस को कोई HR रखने की, अकाउंट्स डिपार्टमेंट रखने की, या फाइनेंस रखने की, या एडमिन डिपार्टमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा सेंट्रलाइज्ड पूल है जो हम एवेंसियन से शेयर करते हैं। बाकी बात रह गई रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज हम अब बिल्ड कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमें कोई 150 रिसोर्सेज हैं जो हमें अगले 1.5 साल में हायर करने हैं, बिल्ड करने हैं, और पाकिस्तान के लोगों को ही हम हायर कर रहे हैं। यहीं से लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे जो मिडल ईस्ट में भी जाएंगे, US में भी जाएंगे, वहाँ भी लोकल भी लोग होंगे, लेकिन यहाँ के लोग भी होंगे जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो हमारा जो प्लान है, बाकी जहाँ तक बात आ गई नंबर्स की, नंबर्स पे आई थिंक आप हमें ईमेल कर सकते हैं investors@avanceon.ai या octopusdtl.com पे, उस पे कर दें एग्जैक्ट नंबर्स कि कितने लोगों को कितनी सैलरी हम दे रहे हैं। आई थिंक ऑल आर डेटा ट्रांसपेरेंट पब्लिक, वो मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं ऑक्टोपस के वो शेयर्ड नहीं है, जो IT के रिसोर्स हैं। बाकी जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो शेयर्ड है। आपका पहला सवाल सॉरी क्या था, मैं जहन से निकल गया मेरे। सर अभी 9 बिलियन कैप पे ऑक्टोपस है, आप कब एक्सपेक्ट करते हैं 20 या 30 बिलियन रुपी से कैप पे पहुंच जाए? लाइक आपका टाइम, आपके दिमाग में टाइम पीरियड क्या है? देखिए हम ये, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हम ये एक्सपेक्ट करते, देखें ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ऑर्गेनिक ग्रोथ तो हम एक हद तक अचीव कर सकते हैं जो हमने अपने बिजनेस प्लान में कमिट किया हुआ है कि 5 साल में हम इतने नंबर्स अचीव करेंगे। वो तो चल एक हो गया। हम ये ऑर्गेनिक ग्रोथ के तौर पे इतना ज़्यादा ग्रो करेंगे सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अपनी IPs के थ्रू। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया, वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है और वो मर्जर और एक्विजिशन से पॉसिबल है। आई थिंक अभी मैं इतनी बात ही करूँगा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा प्लान ये कि पहले हम इन 5-6 मुल्कों में, यानी पाकिस्तान में, दुबई, दोहा, दमाम, नाइजीरिया और US में कामयाब हो जाएँ। अपने 5 साल में हम कामयाब हो जाएँ, अपना प्लान अचीव करें, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दें, उसके बाद फिर हमारे लिए वर्ल्ड ओपन है कि हम यूएस में कंपनीज को एक्वायर करें या मर्ज करें किसी के साथ और एक्सपोनेंशियली ग्रो करें, इनऑर्गेनिकली ग्रो करें और जो फिगर्स आपने दिए हैं उनको अचीव करें, उससे ज़्यादा अचीव करें। तो हमारी ये लॉन्ग टर्म प्लान में है जी। अमर भाई प्लीज गो हेड। अमर भाई अनम्यूट करें, गो हेड जी। थैंक यू सो मच खिज़र भाई। पहले वॉइस का मैं कंफर्मेशन कर लूँ, आवाज़ आ रही है? परफेक्ट, चलें, जबरदस्त। थैंक यू सो मच अस्मार भाई फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। एंड और ये जो लईक भाई ने और खिज़र भाई ने मिलके, सरमाया ने मिलके जो ये स्टार्ट किया है, जिसकी इसकी जितनी भी एप्रिसिएशन की जाए उतनी कम है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न और ये सबके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी कंपनी से रिलेटेड ये है, एंड दिस इज़ ऑन IPO एज वेल। सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जो है एक कंपनी पैसे रेस करती है और दुनिया भर में बेसिकली ये ट्रेंड है और ये कहा भी जाता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में बाहर के मुल्कों में NASDAQ हो गया, S&P 500 हो गया, वहाँ पे IPO को बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो है जो मैनेजर्स होते हैं या मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं या प्रोमोटर्स होते हैं वो बेसिकली ट्राई कर रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा रेस कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद ही जो है वो थोड़ी सी प्राइस नीचे आ जाती है, बल्कि ये भी है कि ये भी होता है कि बाहर इंटरनेशनली ये स्ट्रेटजी होती है कि IPO के बाद जब थोड़ी सी प्राइस नीचे आ जाए तो तब जाके आप इसको परचेज कर लें। पाकिस्तान में थोड़ी सी ऐसा भी है कि दोनों स्ट्रेटजीज हैं कि कुछ कंपनीज का हमने देखा कि IPO होने के बाद जो है वो प्राइस नीचे आ जाती है और कई दफ़ा ऐसे होता है कि IPO के बाद ही फौरी तौर पे प्राइस ऊपर चली जाती है। तो ऑक्टोपस एक ऐसा एक एग्जांपल हमारे सामने आई है कि वो IPO होने के बाद बहुत शूट अप कर दी है, जैसे कि रॉकेट नहीं आप लॉन्च कर देते, बिल्कुल उसी तरीके से है, ऊपर चली गई है। और टेक्नोलॉजी के बाकी भी अगर हम स्टॉक्स देखें जिनका IPO हुआ या रिसेंट जो भी IPOs हुए हुए थे वो सारे स्टॉक्स जो हैं IPO के थोड़ी देर बाद वो नीचे आ गए थे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जब आप IPO कर रहे थे, अभी वैसे आपने थोड़ा सा मेंशन भी कर दिया कि हम जितना रेज करना चाह रहे थे टारगेट जो हमारा था वो अचीव हो गया था, लेकिन मैं ये क्वेश्चन मेरा ये था कि मेरे ख्याल से आप लोग इफ़ यू वुड हैव इवन रेज्ड योर एक्सपेक्टेशंस अ लिटिल बिट मोर शायद आपको इससे भी ज्यादा पैसे मिल जाते। तो उस वक्त आपकी क्या स्ट्रेटजी थी कि ये हम मैनेजमेंट क्या देख रही थी कि हमें इतने ही पैसे चाहिए या हम थोड़ा सा ज्यादा भी रेस कर सकते हैं? तो यू कुड हैव गॉन फॉर दैट। सो दैट इज माय क्वेश्चन। देखिए, आपने सारी बात खुद ही एक्सप्लेन कर दी और मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आपने ये पॉइंट रेस किया है क्योंकि ये बहुत हमारी कंपनी में जब हम IPO कर रहे थे तो हमें बहुत से लोगों ने कहा, इन्वेस्टर्स, मैं खुद सारे इन्वेस्टर रोड शोज़ में मौजूद था, उन्होंने ये कहा कि यार आप सिर्फ 20% शेयर खरीद रहे हैं। यहाँ तक कोई दोस्तों ने कहा कि यार आप 800-900 मिलियन रुपया सिर्फ मांग रहे हैं, इतना रुपया तो इतने कम पैसे तो कोई लंदन में जो एक कोने का वो चाय का खोखा होता है वो उतने में लगता है, तो आप इतने कम पैसे क्यों मांग रहे हैं? आपका बिजनेस प्लान तो इतना बड़ा है, आप कैसे करेंगे? तो हमने उस वक्त भी ये कहा था। आई थिंक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये है, देखें डिसीजन ये था कि हमें उतने पैसे ही रेस करने हैं जितने फॉर द टाइम बीइंग हम खर्च कर सकें और हमारे बिजनेस प्लान के लिए जितने पैसे एट द मोमेंट हमें रिक्वायर हैं। देखें, तभी हमने सिर्फ 20% शेयर अपनी कंपनी का लेआउट किया। तो बाकी ये है कि अभी हमें किसने रोका तो नहीं है, हो सकता है कि साल के बाद 2 साल के बाद हम फिर पब्लिक में जाएँ, लेकिन वो पब्लिक में देखें जैसे मैंने एवेंसियन का अर्ज़ किया आपसे, एवेंसियन ने 2013 में, और ये मैंने अपनी मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने इन्वेस्टर्स को ये बताया, पाकिस्तान के सारे इन्वेस्टर्स को, कि 2013 से लेके 2020 तक एवेंसियन ने 7-8 साल में 2000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है लोगों को। और वो उसमें आप राइट शेयर, बोनस शेयर, डिविडेंड वापस डालते हैं अगर बिजनेस में, तब 2000% बनता है। लेकिन अगर आप डालने का मकसद ये है कि बिजनेस ने इतना जूस तो जनरेट किया है ना, तो वो तो जनरेट तो एवेंसियन ने किया है। तो मकसद ये था बताने का लोगों को कि भाई आपने एवेंसियन पे ट्रस्ट किया और एवेंसियन ने 2013 में आपको पता है कितने पैसे रेज किए थे? सिर्फ 350 मिलियन रुपया रेज किया था। यानी इतना कम हमने, तब भी हमें ये कहा गया कि यार आप इतना कम पैसा रेज करें, सिर्फ 350 मिलियन रुपया रेज करें, ये करने के बाद आप दुबई जाएंगे, दोहा जाएंगे, तो करेंगे क्या वहाँ जाके? तो हमने प्रूव किया कि कम पैसा रेज करके हमने जो ग्रोथ दी और जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया, उससे हमारी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनी, और वही आज हम क्रेडिबिलिटी आज हमें पे ऑफ की है। हमारे इन्वेस्टर्स ने हम पे ट्रस्ट किया है ऑक्टोपस के सिलसिले में। तो ऑक्टोपस में भी हमारा यही प्लान है कि हमें 700-800 मिलियन रुपया रेज किए, जितनी की हमें ज़रूरत है एट दिस पॉइंट टाइम, हम उसको खर्च करेंगे, और हो सकता है 2 साल के बाद हम अपने टारगेट से अचीव कर लें, 3 साल के बाद, तो थोड़े पैसों की अगर हमें और ज़रूरत पड़े हम फिर पब्लिक में जाएं, तो पब्लिक हमें फिर हाथों हाथ लेगी, क्योंकि हमने अपने प्रोमिसेस को पूरा किया होगा। देखें, इन्वेस्टर जो है दुनिया भर का हो, वो एक चीज़ देखता है, आपको पता ही है, वो बहुत ज़्यादा पीक्स और ट्रफ्स वो नहीं देखता, वो कहता है कि स्टेबिलिटी हो, आपने अपने जो वादे हैं जो किए हों वो पूरे किए हों, चाहे आपने ग्रोथ कम कमिट की हो, लेकिन आप वो वादे पूरे करें। तो हमने, हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है एज ए कंपनी, एज ए ग्रुप, एवेंसियन हो या ऑक्टोपस हो, इंशाल्लाह हमारा ये कि हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे, और हाँ अगर हमें और पैसों की ज़रूरत हुई, पब्लिक हमारे साथ है, तो हम जाएंगे वापस और वापस और उनसे मांगेंगे फिर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। फैजान साहब आपका क्वेश्चन है? फैजान अस्मार भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल सेशन होगा। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि इज ऑक्टोपस टाइटली कपल्ड विद एवेंसियन, मतलब कि जो जहाँ पे आप सर्विसेज डिलीवर कर रहे होंगे सिर्फ वहीं पे ही ऑक्टोपस होगी, या ऑक्टोपस स्टैंड अलोन भी ये डिजिटाइजेशन का काम खुद भी कर रही है अभी? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अभी जब हम कल परसों आई थिंक एक मीटिंग कर रहे थे, तो हमने ये कहा, एक कंसल्टेंट से हम मीटिंग कर रहे थे, तो उसने कहा कि यार आप लोग जो है ऑक्टोपस वाले, आप तो चारों जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो, जैसे आपने सुना ही होगा, न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट, ओल्ड मार्केट न्यू प्रोडक्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो चारों क्वाड्रेंट आप फिल करते हैं। तो टू आंसर ये क्वेश्चन, देखें एवेंसियन के कस्टमर्स जो हैं वो तो हमारा किंडरगार्टन स्टेप है, उसे मैं कहता हूँ स्टेप 0, वो स्टेप 1 भी नहीं है। एवेंसियन के कस्टमर को डिजिटलाइज करना ऑक्टोपस का पहला काम है, वो तो हमारे अपने कस्टमर्स हैं, 30 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं, वो तो है 200 कस्टमर वर्ल्ड वाइड। लेकिन हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया क्लाउड नेटिव, जो ओमनी कनेक्ट है, वो तो दुनिया भर में जो जो बंदा क्लाउड पे जाना चाहता है, जो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्लाउड पे जाना चाहती है, वो प्लेटफॉर्म वो उसने इतना ईजी करती है, और फिक्स्ड कॉस्ट बेसिस पे, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे वो जा सकता है। तो वो मार्केट तो हमारे लिए इतनी ओपन है। फिर आप देखें कि एवेंसियन तो पाकिस्तान में है, मिडल ईस्ट में है, यूएस में किसी हद तक है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमने बनाए इसको ऐसे रहे हैं कि इन 5 मुल्कों की बजाय दुनिया में कहीं भी इंजीनियर हमारा बैठा होगा, दुनिया की कोई फैक्ट्री होगी, उसको क्लाउड पे लेके जाना होगा, तो दुनिया में कहीं बैठे हुए भी हमारा बंदा विदिन अ वीक काम करके कुछ घंटों में कस्टमर को क्लाउड पे ले जाएगा। ये जो एबिलिटी है, ये हमारा असल सक्सेस होगी जिस पे हम काम करें। तो टू आंसर ये क्वेश्चन, हमारा जो ऑक्टोपस है वो ना सिर्फ एवेंसियन पे काम करेगा, वो तो हो गया न्यू प्रोडक्ट एंड ओल्ड मार्केट। ये जो न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट है, उसमें हम ऑक्टोपस को लेके जाएंगे यूएस में, मिडल ईस्ट में, अभी नहीं है वहाँ पे। फिर है ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट, जो हमारा सपोर्ट का डिपार्टमेंट, जो पहले एक साहब ने सवाल किया था, जो आफ्टर मार्केट जो स्पिन ऑफ हमने किया, वो आफ्टर मार्केट सपोर्ट पाकिस्तान भी काम कर रहा है, यानी ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट में काम भी कर रहा है, ओल्ड प्रोडक्ट न्यू मार्केट कि यानी अब आफ्टर मार्केट सपोर्ट जो है वो मिडल ईस्ट में भी जाएगा और वहाँ जाके भी अपनी सर्विसेज देगा। तो ऑक्टोपस इन अ नटशेल चारों क्वाड्रेंट्स को फिल करता है। सर थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था, अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें ना, रिसेशन वगैरह की वजह से ना काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं, सो इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑन एवेंसियन और ऑक्टोपस बिकॉज ऑफ ऑल दिस रिसेशन globally from the business perspective? देखें, ग्लोबल रिसेशन जो है और उसके साथ साथ जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं पोस्ट कोविड, वो हमारे एवेंसियन के बिजनेस को शायद इम्पैक्ट करें। और वैसे ट्रेडिशनली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने प्रूव किया है कि जब जब दुनिया की मार्केट्स नीचे गई हैं या पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे गई है तो एवेंसियन का स्टॉक जो है वो ऊपर गया है। तो मैं ये तो नहीं कहता क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि सप्लाई चेन के सिलसिले में, प्रोजेक्ट्स की बाइंग के सिलसिले में एवेंसियन को इश्यूज आ रही हैं, आ सकते हैं। और एवेंसियन की नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट कंपनी को इश्यूज आएंगे क्योंकि सामान तो सारा बाहर से इम्पोर्ट होके आता है, तो उस पर इश्यूज आएंगे, चीज़ें कोई डिले हो सकती हैं जिसको हम पहले अपने कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस में लेके हम कर रहे हैं, काम करें। लेकिन ये इशू सिर्फ पाकिस्तान का है, बाहर मिडल ईस्ट में, यूएस में भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ इशू नहीं है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो एवेंसियन के सिलसिले में भी ये इशू हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा। बाकी बात रहेगी आपकी ऑक्टोपस की, ऑक्टोपस में तो ये इशू जो है ऑन द फ्लिप साइड हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। मतलब ये है, हम तो कह रहे हैं कि यार आप सब्सक्रिप्शन पे जाएं, आप प्रोजेक्ट खरीदने को छोड़ें। आप जो लाखों करोड़ों रुपया आप डेटाबेस खरीदने पे लगाते हैं, आप प्रोजेक्ट करते हैं, आप 6 महीने साल लगा के हार्डवेयर खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, हमारी जैसी कंपनी से, एवेंसियन जैसी कंपनी से आप बंदे खरीदते हैं, एक प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी बजाय आप चंद $100 में या चंद $1000 पर मंथ के ऊपर आप सारी ज़िंदगी के लिए सब्सक्रिप्शन ख़रीद लें। और उस सब्सक्रिप्शन में हम सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी लगा देंगे, जो भी हम लगाएं। आपको तो गर्ज है उस डेटा से जो फ्यूल के तौर पे उस प्रोजेक्ट से निकलेगा और आपको इंटेलिजेंस देगा। ये सारा कुछ हम करेंगे, नो केपेक्स, यानी आपको कुछ पैसा टका खर्च नहीं करना। आप पहले दिन से हमें 2 हफ्ते में हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमें, ये जो इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं सब, ये हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा ऑक्टोपस के सिलसिले में। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू। अब्दुल मोनम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। जी सर, मैं फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। मेरा असमार साहब से एक क्वेश्चन ये है कि जो पहला क्वेश्चन है कि आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं इस फील्ड में, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि एवेंसियन को जो है ना वो ऑक्टोपस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो उसके बाद मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि और भी कंपनीज ऐसी होंगी डाटाबेस जो ऑक्टोपस को बाय करना चाहें, या आपको ऑफर आई हो, या इन फ्यूचर आपको लगे कि ऑफर आ सकती हैं? देखिए, पहला जो सवाल है आपका वो बहुत पर्टिनेंट है, लेकिन मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। देखिए, अभी तो हमने स्टार्ट किया है और ऑक्टोपस ने, और अभी तो हमारा 5 साल का बिजनेस प्लान है, जिसे वो आई थिंक अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, सरसुट के कम करना, यानी अभी तो हम बिल्कुल वो जैसे घोड़े ने खोपे नहीं लगाए होते हैं आंखों के दरमियान और वो सिर्फ सिंगल यूनिफोकल होके वो काम करता है। अभी तो हम 4-5 साल यूनिफोकल होके अपने इन्वेस्टर्स को जो हमने कमिट किए हैं रिटर्न, वो डिलीवर करने की तरफ हमारा फोकस है अभी तो। और साथ साथ वो करने के साथ साथ हमारा फोकस है अपनी टीम बिल्डिंग पे, अपनी आईपी डेवलपमेंट पे, इन चीज़ों पे, तो ताकि हम वो इन्वेस्ट, देखें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारे इन्वेस्टर्स का और हमारे कस्टमर्स का ट्रस्ट। वो ट्रस्ट क्यों आया है एवेंसियन पे? क्योंकि एवेंसियन 30 साल से मौजूद है और एवेंसियन ने हर जो वादा किया था वो पूरा किया है। हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं ऑक्टोपस में कि ऑक्टोपस का नाम भी वैसा ही हो, बल्कि उसे बहुत अच्छा हो जैसे एवेंसियन का है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि 5-6 साल के बाद क्या होता है, या उससे पहले भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, तो डेफिनेटली हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम तमाम पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। अगर हमने इनऑर्गेनिकली ग्रो करने की, हमें मर्जर और एक्विजिशन की कहीं से ऑफर आएगी, यानी हम किसी के साथ किसी को एक्वायर करना चाहेंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी हमारे बिजनेस प्लान का फ़ायदा है कि नहीं। हम ये नहीं करेंगे कि इन 5 सालों में कि हम मर्ज हो जाएं किसी के साथ सिर्फ इस वजह से। अभी बात हुई थी कि आपने पैसा, देखें एक बात है पैसा बनाने की, तो पैसा बनाना मकसद एक एस्पेक्ट है, लेकिन इस बिज़नेस का मकसद ये है कि बिज़नेस है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग जैसे ऑक्टोपस एवेंसियन जो है वो 30 साल से मौजूद है, ऑक्टोपस जो है वो आगे फॉर टाइम्स टू कम ये मौजूद रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो हमने ऑक्टोपस के ब्रांड को डेवलप करना है, ऑक्टोपस के ब्रांड को हमने मिनिमाइज नहीं होने देना, हमने इसको आगे जारी रखना है। बाकी बात रह गई कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद, तो देखें जैसे मैंने पहले अर्ज किया इनऑर्गेनिक ग्रोथ का तो टाइम है, लेकिन और उस वक्त चांस भी होगा, लेकिन चांस तभी होगा जब हम अपने वादे पूरे करेंगे। 5-6 साल में हम अपने जो कमिटमेंट्स किए इन्वेस्टर के साथ, देखें इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी ये चीज़ देखता है, वो ये कहता है कि जब पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में इस कंपनी ने या यूएस में इस कंपनी ने 5 साल लगा के 6 साल लगा के एक एक वादा पूरा किया है, तो फिर वो आपको मर्जर और एक्विजिशन की ऑफ़र करते हैं, ऐसे तो कोई ऑफ़र नहीं करता। तो ये बात एक हो गई। दूसरी बात यह कि आपका पहला सवाल कि हमारे कंपेटिटर कौन है, देखें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इस पर इतना अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे जो कंपेटिटर हैं हमने तलाश किया। देखें एक तो ये अच्छी बात नहीं कंसिडर नहीं की जाती, अगर मैं कहूँ कि हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है इस ओटी इंडस्ट्री में, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में, तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी इसलिए कि हम समझते हैं हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है, बुरी बात यह है कि इसका मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। ये भी अच्छी बात है और बुरी बात भी है। बुरी इस वजह से कि शायद हम जो काम कर रहे हैं वो पता नहीं क्या हम कर रहे हैं काम। अच्छी ये बात है कि हो सकता है हम इतना यूनिक काम कर रहे हो जो पहले नहीं हुआ। तो हम ये समझते हैं हमारे इनडायरेक्ट कंपेटिटर सारे बड़े OEMs जो हैं, जो एवेंसियन में हमारे पार्टनर्स हैं, उनके मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जिनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ख़रीद के हम प्रोजेक्ट के सिलसिले में बेचते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट कंपेटिटर हैं। लेकिन हमारे सिलसिले में जो हमें एवेंसियन की हेल्प मिलती है वो ये मिलती है कि जैसे एक साहब ने भी जिक्र किया था कि पहले वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगा होगा, उससे डेटा आएगा तो ऑक्टोपस के को वो फ्यूल मिलेगा। तो उन जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ख़रीदना है वो तो उन्हीं ऑटोमेशन वेंडर से ख़रीदना है जिनकी मैं बात करूँ, जिनको मैं इनडायरेक्ट कंपेटिटर कह दूँ, तो उनका बिजनेस भी चलता रहेगा और ऑक्टोपस का बिजनेस जो है वो उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। असमार भाई आप प्लीज़ बता देना 1 आवर से ऊपर हो चुका है, जब भी आपने लीव करना हुआ वी विल एंड द सेशन। आई हैव खैजर मैं थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, और स्पेशली जो क्वेश्चंस हैं, जो शरिया कॉम्प्लाइंस का क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, आई थिंक मैंने नोट भी किया, तो मेरे लिए बहुत एजुकेशनल, हमेशा से एजुकेशनल सेशन रहा है। जो इन्वेस्टर से बातचीत करना, उससे हम अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। देखें ये बातचीत का मौका जो है वो तो मिलता ही रहता है, लेकिन असल बात यह कि हम जो सीखते हैं एक दूसरे से, तो मैं तो आज के सेशन में बहुत सीख रहा हूँ। आई थिंक कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। समर भाई प्लीज गो अहेड। ओके सो मेरी आवाज़ आ रही है जी? ओके सो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने एवेंसियन की बात की कि उसको इम्पोर्ट के रिलेटेड इश्यूज को सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऑक्टोपस को मैं देख रहा हूँ जैसे आपने बिजनेस उसका प्लान बताया है या जो उसका बिजनेस मॉडल है जो बताया है, उसके अंदर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज भी आप लोग को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट आपको चाहिए होंगे मेरे ख्याल से इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो क्या कोई प्लान है, क्योंकि 150 का आपने गोल बताया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से इतनी स्पीड से डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट प्रोड्यूस शायद नहीं हो रहे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल से चला रही हैं और अभी ये फ्रेश स्टार्ट हुआ है, तो इसके हवाले से कोई प्लान है आप लोग का? क्या आप लोग ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि आई थिंक पाशा का कुछ प्लान भी चल रहा है इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो कोई प्लान है इसके हवाले से? क्योंकि आपने एक और बात की कि अमेरिका का भी आप लोग का गोल है, मतलब अमेरिका एंड UAE में भी एक्सपेंड करना है, तो रिसोर्स का जो चैलेंज है वो हो सकता है वहाँ तो ना हो आपको, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होती है, वहाँ से मिल जाती है रिसोर्स। तो क्या ऑक्टोपस जो है वो पाकिस्तान में उतनी स्पीड से ग्रो कर सकेगा, या आप मेनली इसका फोकस फिर शिफ्ट करने का सोचेंगे अमेरिका की तरफ कि वहाँ पे पहले ग्रो किया जाए फिर पाकिस्तान में उसको एक्सपेंड किया जाए? इसका क्या प्लान है आप लोगों का? थैंक यू समर, थैंक यू वेरी मच। अगेन अ वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ये वही सवाल है जो मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने एग्जेक्टिव्स हैं उनको रातों को जगाता भी है ये सवाल। तो ये वाहिद सवाल है जो रातों को हमें जगाता है। हमें अपनी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, हमें एक्सटर्नल इतना प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ का वो तो है ही हैं, हमें इंटरनल है। अब उसको एड्रेस करने के लिए हम कर क्या रहे हैं? देखिए, हमने ये किया, पहले पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान के सिलसिले में मेरे लिए बहुत ये एजाज़ की बात भी थी और हैरानगी की बात भी थी कि देखें, एवेंसियन में जो इंजीनियर्स हायर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं। मैं एक तो इतना ज़्यादा मैं जाता नहीं हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, नाम नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैं खुद गया और मैंने देखा, मैं हैरान हो गया देख के कि वहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं, जो 4-5 साल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पढ़ते थे, वो अब सिर्फ 2 साल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, लड़के लड़कियों से, बड़े समझदार, बड़े इंटेलिजेंट, मैंने उनसे पूछा कि यार आप 2 साल पढ़ें, बाकी 3 साल क्या पढ़ते हैं आप? तो उनका, हम कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़े हैं, हम पाइथन और आर पढ़े हैं, हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़े हैं। उनके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स थे, मैं हैरान हो गया सुन के, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे बड़ी हैरान की। मैंने कहा यार आप लोग वाकई ये पढ़ रहे हो? तो वो उन्होंने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी देखिए गैप तो है एकेडेमिया में और इंडस्ट्री में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये इस चीज़ पे बड़ा प्रॉमिसिंग मुझे फील हुआ कि हमारी इंडस्ट्री को अब वो फ्यूल मिलेगा इंशाल्लाह ताला। हमारे लड़के लड़कियां भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो वर्कफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे है कि उनको फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ट्रेन होना है, और वो हो रही हैं। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करें, जिसके लिए हम ही हेल्प करना चाह रहे हैं उनको, कि हम प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं इंडस्ट्री को, हम इंडस्ट्री में अपना एकेडेमिया में लैब्स बना रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उनकी हेल्प करें, ब्रिज करें इस गैप को जो एकेडेमिया में और इंडस्ट्री में है। बाकी बात रहेगी क्या पाकिस्तान हमारे सारी रिसोर्स रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगा? अगेन ये बात सही है, हम मिडल ईस्ट में और यूएस में भी हायरिंग करेंगे, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान में भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान हमारा मेन बाहर की रिसोर्सेज। असमार भाई, प्लीज गो अहेड, थोड़ा सा लैग आया था। असमार भाई, स्मार भाई आप लिसनर हो गए हैं स्पीकर से, अगर माइक को आप प्रेस करें, या मैंने आपको स्पीकर की रिक्वेस्ट की है। आई थिंक वो कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड, हाँ मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। लेट्स गिव अ मिनट और सो। या सर साहब, इसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। असमार भाई, आई कैन सी यू, बट आप लिसनर हैं, हमें आवाज़ नहीं आएगी। आप माइक को ज़रा रिक्वेस्ट करें अगर ऑनलाइन है तो। मेरा ख्याल है डिस्कनेक्टेड है। जी अस्सलाम वालेकुम खैजर, कैन यू हियर मी? जी वी कैन सी यू बैक। यस यस। कहाँ पे आपने? मैं तो बोलता ही जा रहा था, मैं तो बगैर आपका मैसेज आया तो मुझे पता चला कि आई थिंक मैं शायद डिस्कनेक्टेड हूँ या क्या हूँ। जी आप बता रहे थे कि जो गैप है वो आप कंप्लीट करने के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जरा हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे थे आप। थैंक यू सो मच। तो हम कोशिश ये करें, देखें मैं ये नहीं कहता कि गैप हमने फिल कर लिया है, लेकिन हम कोशिश ये करें कि इंडस्ट्री के गैप को हम क्या कर सकते हैं। एक तो एकेडेमिया जो है वो इसमें बहुत स्टेप्स ले रही है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं खुद गया हूँ डिफरेंट जगहों पे, मुझे पता ये चला कि लोग इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं वो अपना 2 साल पढ़ते हैं सिर्फ वो इंजीनियरिंग, बाकी 3-4 साल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ें, यानी वो ये AI टेक्नोलॉजीज़ पढ़ें। तो वो आई थिंक हायरिंग इतना बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला मुझे तो लगता है वो जिसको मैं इंटरनल मसला कहता हूँ वो है रिटेंशन का, यानी हम अपने रिसोर्सेज को रिटेन कैसे करेंगे, उनको ग्रो कैसे करवाएंगे। हमारा कल्चर कंपनी का इतना अच्छा होना चाहिए। तो मुझे ये हायरिंग इतना इशू नहीं लगता जो आप कह रहे हो ना कि यानी मिडल ईस्ट में, US में भी हम हायर करेंगे, पाकिस्तान में भी हायर करेंगे। रिसोर्स इतना मसला नहीं है, मसला है उनको रिटेन करना कि ऑक्टोपस उनका फर्स्ट चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। उसके लिए बहुत सी कल्चरल चेंजेस हम कर रहे हैं जो अपनी कंपनी में, कि इट्स अ वेरी ओपन कल्चर जिसमें वर्क फ्रॉम एनीवेयर है और बहुत सी चीज़ें हैं जिसका कॉर्नर स्टोन है कि हम उनकी फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल ग्रोथ, 3 किस्म की ग्रोथ जो है वो इंसान को चाहिए होती है। उन तीनों पे काम करें, जिसमें फाइनेंशियली मैं एक चीज़ बता सकता हूँ क्योंकि रोल आउट हो गई है, वो है कि हमने अपने यंग इंजीनियर्स को, आप समझें कि 20 साल का 22 साल का जो इंजीनियर हमें ज्वाइन करता है उसको हम ज्वाइनिंग पर स्टॉक ऑप्शन दे देते हैं अपनी वैल्यूएशन की। यानी हम ये कहते हैं कि आपको शेयर्स कंपनी के 10 साल तक इतने इतने मिलेंगे हर साल, यानी उसको अपना वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल पहले दिन ज्वाइन करते ही पता चल जाता है अवेंसियन में। और हाँ, वो शेयर्स चेंज होते रहेंगे जो जो कंपनी अपने टारगेट अचीव करेगी और इंडिविजुअल अपने टारगेट अचीव करेगा। तो ये एक बड़ा मैसिव ब्रेक थ्रू है। आई थिंक अब शायद रीजन की पहली कंपनी है जिस पे इस तरह का स्टॉक ऑप्शन प्लान उसने बनाया है। तो बाकी जाएगी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और फाइनेंशियल और अपना प्रोफेशनल ग्रोथ, वो उस पर हमने ये किया कि हमारे रिगरस ट्रेनिंग प्लान्स हैं, क्योंकि इंजीनियर्स जो हैं जब तक आप उनको चैलेंज नहीं करते, जब तक वो कोई नई चीज़ नहीं सीखते, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो हमने कोशिश की है कि हम अपना प्लान पूरा ऐसे करें कि उनकी ट्रेनिंग और उनको चैलेंज करने के मौके भी उनको हम प्रोवाइड करें। और प्रोफेशनल ग्रोथ में यह है कि हमारी चूँकि कंपनी है भी एक नई कंपनी है, सो टू स्पीक स्टार्टअप है, मुझे कहना अच्छा लगता है स्टार्टअप है, तो उसमें ग्रोथ के बेताशा प्रोफेशनल ग्रोथ के और प्रोफेशनल लैडर के ऊपर जाने के बेताशा मौके हैं। इसका मतलब कि प्रोफेशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, तीनों के मौके हम लोगों को प्रोवाइड करें। इसका मतलब यह है कि हमें जो चैलेंज आ रहा है, कि जो चैलेंज हम फोर्सी कर रहे हैं कि रिटेंशन इशू होगा, उसको हम पहले से मिटिगेट करने के लिए कोशिश करें। समर, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक और सवाल है मेरा, वो ये है कि आपने बताया कि एज्योर का प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स कि हार्डवेयर तो चला गया बीच में से, अब सब्सक्रिप्शन बेस चल रहा है और अब सारा काम रह गया है आपके एल्गोस का, कि एल्गोरिथम कैसे हैं, कि कितना इंडस्ट्री को फ़ायदा देते हैं। अब इसके अंदर आपको नहीं लगता कि आगे चल के जब आप एक्सपेंड कर रहे होंगे तो प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है, वो कोई और भी आपको जो कंपटीटर है वो भी यूज़ कर सकता है, वो भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकता है। एक जो फ़ायदा मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो पहले ही कदम रख दिया है, मतलब ये कह लें कि 2 से 3 साल पहले ही इस इंडस्ट्री में कदम रख दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे चल के क्या ऑक्टोपस के लिए ये चैलेंज बनेगा कि एक प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है और कोई और कंपटीटर भी आपको एक हायरिंग करके या एक अच्छी रिसोर्सेज के थ्रू इंडस्ट्री को हिट कर सकता है? तो ऑक्टोपस के लिए आप कैसा चैलेंज देखते हैं आगे चल के? देखें, अगेन आपका समर बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, और वो फ्रांस में कहते हैं ना हम लोग फ्रेंच में कि फ्रेनिमीज, यानी फ्रेंड्स एंड एनिमीज टुगेदर। तो मैं ये कहूँगा कि हमने ये सोचा है ये देखें, ये प्लेटफॉर्म हमने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एवेंसियन और ऑक्टोपस के लोगों के लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ हमारे कस्टमर्स के लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म कल को जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हमारे कंपेटिटर हैं, उनको भी हमारे कस्टमर बना देगा। आप इमेजिन करें समर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलेगी हमारे लिए कि कल को हमारे जो डिफरेंट जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, जो अवेंसियन के कंपेटिटर्स हैं, यानी यूएस में देखें कि कंट्रोल सिस्टम्स इंटीग्रेटर्स एसोसिएशन जो है, जो CSIA है, उसके 12,000 सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनीज मेंबर्स हैं, जैसे अवेंसियन जैसी कंपनीज हैं। उनके पास जाके अगर हम उन्हें OmniConnect बेचने की बात करें कि वो OmniConnect का प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपने कस्टमर्स को डिजिटलाइज करें, तो इमेजिन करें कि वो जो हमें अपने आप को कंपेटिटर अपना समझते थे, वो अब हमारे दोस्त बन जाएंगे, तो फ्रेंड्स एंड एनिमीज टुगेदर। तो ये देखें, ये हम एक ये भी हेल्प करेंगे इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री को हम इस तरफ लेके, क्योंकि देखें वो लोग चाहते हैं करना, वो चाहते हैं सिस्टम इंटीग्रेटर्स, मशीन बिल्डर्स, OEMs, कि वो डिजिटलाइजेशन की बैंड वैगन पे सवार हों। हर बंदा डेटा को यूज़ करना चाहता है, उसको पता नहीं है कि कैसे करें यूज़। तो अगर हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, हम नहीं चाहेंगे कि प्लेटफॉर्म हम ही यूज़ करें सिर्फ, बजाय इसके हम अपने चैनल्स को बढ़ाएंगे। तभी जो हमारा फॉर्मेट है ग्रोथ का, वो चैनल पार्टनर बेस्ड है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड है, वो रीसेलर बेस्ड है, कि हम पूरी दुनिया में अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे ऑक्टोपस के, जो वो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और आगे ग्रो करेंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन समर। थैंक यू समर। समर, आपकी वन ऑन वन मीटिंग करवाते हैं असमार साहब से। यासर साहब के पास ये बेहतर है, यासर साहब के पास चलते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है 5 मिनट में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सर ये सवाल है कि जैसे एक हाफिज साहब ने अभी थोड़े टाइम पहले कहा कि ऑक्टोपस को जो है ना वो शरीया कंप्लाइड में आना चाहिए ना, तो शरीया कंप्लाइड में तो ऑलरेडी मौजूद है ऑक्टोपस, और एवियन भी मौजूद है, KMI आल में ऑक्टोपस मौजूद है, कराची मिज़ान इंडेक्स में वो शरीया स्टॉक में है, जैसे एवेंशियन है वो भी शरीया है। तो ये मेरा यही सिर्फ कहने का था। थैंक यू यार साहब। हाफिज साहब, थैंक यू यार साहब, थैंक यू वेरी मच। ये तो आई थिंक मेरी कमकली साबित हुई है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो आई थिंक आई स्टैंड करेक्टेड। थैंक यू। नहीं, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने चेक किया अभी, तो जस्ट पहले भी मैंने चेक किया था सर, तो शायद मुझे कंफर्म ना हो, आप भी खैर चेक कर लें। हाफिज भाई ने कंफ्यूज किया। हाफिज भाई जी सर, असल हाफिज साहब अपनी जगह पे सही थे। आई थिंक मुझे ये जवाब तो मुझे देना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच यार साहब, आपने मेरी शायद बाद में अपडेट हुआ होगा, जिस वक्त मैं ऑक्टोपस बाय करना चाह रहा था उस वक्त नहीं था शरीया कंप्लाइंट। ठीक कह रहे हैं सर, बाद में हुआ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा असमार साहब, एक क्वेश्चन मेरा था, बहुत शुक्रिया लेक भाई दोबारा मौका देने के लिए। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल मैं समझना चाह रहा था कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमारी कंपनी है, वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम इंटीग्रेटर है, लाइक ABB, एलन बेडले, इमर्सन, श्नाइडर, सिमेंस, और इसके ऊपर जैसे साइबर सिक्योरिटी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेयर 2 का डाटा हम ले रहे हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल जो होगा, ये आपका डिपेंड होगा नंबर ऑफ कंट्रोलर्स पे, नंबर ऑफ सर्वर्स पे, या नंबर ऑफ क्लाइंट पर पर्टिकुलर क्लाइंट, जैसे ICI है या आपका लकी सीमेंट है, या इस तरीके से होगा, या बेस्ड ऑन सर्वर्स नंबर और बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ कंट्रोलर्स पे होगा? ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाफिज साहब, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है, ये तो मेरे बिजनेस का आपने सवाल कर दिया इंटरनल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमें ये हुआ कि हम इस बिजनेस को किस चीज़ पे प्राइस करें। हमने ये किया कि देखें, हमने कहा कस्टमर क्या चाहेगा। अगर हमारा ये होता कि हम सर्वर्स पे करें, या हमने इसको किया है डेटा पॉइंट्स पे। अगर एक कस्टमर के टैग्स हैं, जैसे आप तो टेक्निकल जबान समझते हैं, जैसे टैग्स हैं या डेटा पॉइंट्स हैं, हमने कहा कि अगर एक DCS के 500 टैग्स हैं या 250 टैग्स हैं, उस बेसिस पे हमने प्राइस अपनी बनाई है। और जितने टैग्स हम क्लाउड पे लेके जाएंगे, बाद में रियल टाइम टैग्स होंगे, उनके कुछ कैलकुलेटेड टैग्स भी बनेंगे, और फार्मूले लगा के जो भी एल्गोरिथम हम बनाते हैं, तो जितने टैग्स टोटल बनेंगे से 250 आपके रियल टाइम टैग्स हैं जो PLC से आ रहे हैं या DCS से आ रहे हैं, उसको हम ले जाएंगे ऊपर कैलकुलेशन कुछ करके, तो जो अगर 500 बनते हैं उसकी एक प्राइस हो जाएगी। तो टैग बेस्ड है जी, डेटा पॉइंट बेस्ड है। बहुत शुक्रिया अस्मार साहब, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर कोई लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट हैं, 9:10:30 में, तो वी कैन टेक द लास्ट क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल एंड। जी समर, आपको दे देते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए प्लेटफॉर्म, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। सो अब एक और मेरा सवाल ये है कि थोड़ा सा जो मैं समझा हूँ ऑक्टोपस के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, कि थोड़ा सा मैं समझाऊँ कि आप लोग बिजनेस प्रोसेस को इंटेलिजेंट बनाने की तरफ जो है फोकस है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक तो सवाल मेरा ये है। अगर ये सही बात है कि हाँ ये बिजनेस प्रोसेस की तरफ है, तो क्या आप जो है वो कंपनी के इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि उनकी सेलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाए, या इस तरह की चीज़ें भी क्या फोकस कर रहे हैं? समर, थैंक यू वेरी मच। देखें, वो बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन जो है वो तो एक ऑलरेडी इंडस्ट्री है वो करी, हम जो कर रहे हैं वो है ओटी डेटा को, यानी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी का जो रियल टाइम डेटा है, जो मशीनों से, कंट्रोलर से, जो प्लांट के ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर लगे होते हैं, उनसे रियल टाइम हर सेकंड के ऊपर डेटा करंट की फॉर्म में आ रहा होता है। हम उस डेटा को ले जाके मशीन के ऊपर हेल्थ उसकी तलाश करते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। जो बिजनेस प्रोसेस की आप बात करें उसमें तो होता है वर्क फ्लो डिजिटलाइजेशन, वो भी देखिए नेक्स्ट स्टेप तो यही है उसका, वो भी हम करते हैं, लेकिन पहले स्टेप में यह है कि ओटी डेटा को हम ले जाके क्लाउड पे डेटा लेक में हैडूप फाइल सिस्टम में लेके जाते हैं, उससे हम प्रेडिक्शन और प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। फिर क्लाइंट हमें ये कहते हैं कि यार ओटी डेटा ही काफ़ी नहीं है, आप हमारे डिफरेंट पीपल, प्रोसेसेस और सिस्टम्स को भी कनेक्ट करें, ईआरपी सिस्टम को कनेक्ट करें, हमारे पास सैप लगा हुआ है, मैक्सिमो लगा हुआ है, उसको कनेक्ट करें, एचआर सिस्टम को कनेक्ट करें, सप्लाई चेन को कनेक्ट करें, फाइनेंस सिस्टम को कनेक्ट करें, वो भी कनेक्ट करके हम अपने एक प्लेटफॉर्म के साथ उसको एक यूनिफाइड, यूनिवर्सल, हम ट्रूथ, सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ जैसे कहते हैं, वो देते हैं। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन समर? तो हम बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन को डिफरेंट तरीके से करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं मशीन ऑप्टिमाइजेशन से या कंट्रोल डेटा ऑप्टिमाइजेशन से। फैजान अली साहब, आपने स्पीकर के लिए रिक्वेस्ट की थी, अगर आपका क्वेश्चन है तो दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन। फैजान, फैजान आपने अनम्यूट किया बट आई कांट हियर यू। फैजान, चले मेरा ख्याल है एंड करते हैं। अस्मार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। इट वाज लवली एंड वेरी वेरी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और सब पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया 1.5 घंटे तक हमारे साथ रहने का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सरमाया टीम, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। थैंक यू जी, थैंक यू, प्लेजर फॉर ऑल माइन। थैंक यू Thank you, sir. Enjoy the weekend. Khuda hafiz ji, khuda hafiz. Bye. Allah hafiz. Allah hafiz. Bye.